सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन क्या है, वायरलेस लैन क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम सबने पढ़ा है, लैन लैन क्या होता है। हम जानते हैं कि व्हाट इज लैन। तो लैन जैसे हमें हमें अपना ये अपने आप में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही हमारा नेटवर्क का एक और हमारी टेक्नोलॉजी है, उसे हम कहते हैं डब्ल्यू लैन। ये हो गया हमारा वायरलेस एन, मतलब वायरलेस लैन नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सो हम यहां पर यह समझेंगे व्हाट इज डब्ल्यू लैन एंड व्हाट इज इट्स नीड। हमें ये क्यों चाहिए, क्या हमें डब्ल्यू लैन के लिए अलग से कोई सेटअप चाहिए, क्या ये लैन का ही पार्ट है, क्या इसके लिए कुछ अलग से टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या इसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन होती है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं आज से हम ये एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं वायरलेस पे, और आप सारी प्लेलिस्ट देखिए, सारे सारे वीडियोज को हमारे देखिए, ताकि आपको सारी ए टू जेड आपको वायरलेस की टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जितने भी मैंने वायरलेस के इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन डिजाइनिंग की है, हम उसके बेस पे काम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड, हम बात करते हैं वायरलेस लैन। तो जैसे हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, हमें वहां पर जाते ही हमें अगर हम देखते हैं, हमें कुछ SSID नजर आती है। SSID मतलब आपके मोबाइल में कुछ नाम आते हैं, जैसे गेस्ट, कॉरपोरेट, या किसी पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट का नाम। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो और आप वाईफाई से कनेक्टेड हो जाते हो। तो बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजी यही है, हम किसी भी लैन नेटवर्क से वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हो रहे हैं, उनकी सर्विसेज को, इंटरनेट को वायरलेस, बिना वायर के डिवाइस के हम एक्सेस कर रहे हैं, जैसे हमारे मोबाइल पे, हमारे लैपटॉप पे, हमारे टैब पे, या किसी भी गैजेट से। सो फ्रेंड्स, अभी हमें कहते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्यों चाहिए वायरलेस। तो फ्रेंड, आपको आजकल आपने सबने देखा होगा, हर किसी के पास हैंडल डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और हर हर यूजर चाहता है कि उसको उसकी जो सर्विस है वो सीमलेसली अवेलेबल हो। वो आजकल कोई भी एक डेस्कटॉप पे लैन के थ्रू कनेक्ट होके बैठना नहीं चाहता। अगर कोई यूजर लैपटॉप पे काम कर रहा है, अगर उसकी मीटिंग है तो दूसरे मीटिंग रूम में जाए या दूसरे फ्लोर पे जाए तो उसका नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यूसली वो नेटवर्क से कनेक्टेड रहे, उसको लैब केबल निकालने, लगाने और वापस IP एड्रेस मिले उतना टाइम हो। कहीं पर हमने देखा होता है, कहीं पे पोर्ट लैन पोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, कई बार हमारे पास लैन केबल नहीं होती है, कई बार हमने देखा है कि लैन केबल छोटी पड़ गई। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं हमें फेस करने पड़ते थे पहले, बट अभी क्या है, लैन तो अवेलेबल है ही, ऑब्वियसली वो तो बेस है हमारे किसी भी टेक्नोलॉजी का। बट वायरलेस के थ्रू हमें क्या बेनिफिट मिला, हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल पे कनेक्ट हो सकते हैं, घर बैठे यूट्यूब देख सकते हैं, या ऑफिस में आप किसी मीटिंग कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके उनके लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आप रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको किसी मीटिंग रूम में जाना है, आपने लैपटॉप लिया, यहाँ से आप उठे, दूसरे सीट पे जाके बैठ गए, दूसरे मीटिंग रूम में जाके बैठ गए, आपको दोबारा किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपने एक नेटवर्क से आप SSID से कनेक्ट हो गए, आपकी यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो गया, आप कनेक्टेड हो गए, आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे। आपको दिन भर में जब भी आप किसी भी फ्लोर पे जा रहे हो, किसी मीटिंग रूम में जा रहे हो, आपने लैपटॉप बंद कर दिया, ओपन किया, आपको दोबारा से सब कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आप कनेक्टेड रहोगे। तो ये हमारे बेसिक जो यूज है, जो बेनिफिट है, वो है वायरलेस का, ये बेसिक यूज, यही हमारा वायरलेस का हम यूज बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि इंट्रोडक्शन क्या है, वाई वी नीड इट, तो यही हमारे बेसिक, हमारे इसमें हम अगर बात करें तो यही हमारा यूज है इसका, और ये हमारा बेसिक इन्वायरमेंट में यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये क्या ये दो अलग अलग सेटअप है, लैन और डब्ल्यू लैन के दो अलग अलग सेटअप है। फ्रेंड्स, लैन हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखी है कि लैन क्या होता है। तो
तो मैं यहां पर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि लैन क्या होता है। फ्रेंड आपने देखा होगा हमारे पास किसी भी ऑफिस में एक हमारे पास इंटरनेट राउटर होता है जिसपे हमारे पास इंटरनेट आता है या वैन वैन कनेक्टिविटी होती है। इसकी हम बात बात करेंगे कभी आने वाले वीडियोस में। इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद मेरे पास एक फायरवॉल होता है, फायरवॉल के नीचे मेरा एक कोर स्विच होता है, ये मेरा कोर स्विच है। देन मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, उसके नीचे मेरा एक एक्सेस स्विच है, एक्सेस स्विच है। तो ये सब मेरे एक आर्किटेक्चर होता है, मेरा एक नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। तो इस एक्सेस स्विच पे हमारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इस आर्किटेक्चर की बात करें, यहाँ पर हमारे कुछ यूजर्स कनेक्टेड होते हैं लैपटॉप पे, इन सब पे, जो कि मेरे सर्विसेज, यहाँ पर कोई सपोज दैट मेरे कोई सर्वर्स लगे हुए हैं, सर्वर्स कनेक्टेड है। तो जो यूजर है वो यहाँ से मेरा ये सर्वर्स एक्सेस करता है, कोई सर्विसेज है वो एक्सेस करेगा। कहीं पर कोई, यहाँ पर मेरा मेल मेल सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर है, तो यहाँ से मैं अपनी मेल एक्सेस करूंगा। इसी तरीके से अगर उसको इंटरनेट यूज करना है, वो यहाँ पर इस तरह से जाएगा और मेरा यहाँ पर जाके इंटरनेट एक्सेस कर लेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो एक यूजर डेस्कटॉप के थ्रू केबल से कनेक्टेड है, वो एक वायर से कनेक्टेड है। बट वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस में आपको केबल से कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, आप वाईफाई से कनेक्टेड है। ये मेरा वाईफाई का आइकन है, इसको आप आइकन मानिए, ये मेरा वाईफाई यूजर है। इसको कहीं पे बैठने की स्पेशली कुछ केबल से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये भी सेम सर्विस यूज करेगा, एक्सेस करेगा, मेरे सर्वर से एक्सेस करेगा, मेरे मेल एक्सचेंज सर्वर यूज करेगा, इंटरनेट एक्सेस करेगा। बट फर्क इतना है कि ये किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है। ये भी इसी, ये जो मेरा वायरलेस यूजर है, ये भी इसी नेटवर्क का पार्ट है, अलग से नहीं है। मेरे जो भी मेरी WLC लगी हुई है या AP लगे हुए हैं, वो सब इसी लैन पे ही कनेक्टेड हैं। तो लैन तो मुझे बेसिक मुझे बनाना ही, बिल्ड करनी है, डिजाइन करनी है, बनानी ही है, उस पे मैं वायरलेस को इंप्लीमेंट करता हूं। तो जैसे मैं किसी यूजर को लैन के थ्रू एक्सेस दे रहा हूं, वैसे ही मैं एक यूजर को वाईफाई के थ्रू भी मेरे नेटवर्क का एक्सेस दे रहा हूं। तो यही मेरा बेसिक, मेरा डिफरेंस और मेरा यूज है लैन का और डब्ल्यू लैन का, कि मेरा जो डब्ल्यू लैन है वो मेरा लैन पे ही बेस्ड है। पहले मुझे लैन बिल्ड करना पड़ेगा, उस पे मैं डब्ल्यू लैन और वायरलेस को इंप्लीमेंट करूंगा। और कैन वी बिल्ड डब्ल्यू लैन विदाउट लैन? नो, वी कैन नॉट इंप्लीमेंट ए डब्ल्यू लैन विदाउट लैन। घर पे हमारे पास होता है, हम एक वाईफाई राउटर ले लेते हैं, हमारे इंटरनेट चल जाता है, बट वो भी कहीं ना कहीं से हमें इंटरनेट की लिंक आ रही होती है हमारे पास ISP से, जिपॉन के थ्रू आई आई होती है, तो किसी ISP के थ्रू हमें वो इंटरनेट लिंक कहीं ना कहीं से हमें पर टर्मिनेट होती है हमारे घर पे, तब जाके हमें वो वायरलेस राउटर हमें वाईफाई के थ्रू इंटरनेट देता है। हमें लगता है कि हमारे घर पे तो खाली एक वाईफाई राउटर है, हमारे पास कोई लैन सेटअप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस वाईफाई राउटर के एक एंड यूजर हैं। जो आप वाईफाई की बात आप करते हो, घर पे लगा होता है एक, हमारे पास वाईफाई राउटर लगा होता है, ये हम यहाँ पर एक एंड यूजर हैं। बट इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे वैन, ओवर द वैन एक लैंड नेटवर्क बना हुआ है, एक डाटा सेंटर बना हुआ है ISP का, जिसपे हम जाके कनेक्टेड हो रहे हैं, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिल रहा है। तो वायरलेस हम हर जगह यूज करते हैं, हमारे मोबाइल में भी आप देखोगे इंटरनेट रहता है, वो वाईफाई के थ्रू हम यूज करते हैं, वो अलग टेक्नोलॉजी है, बट हम उसको एज ए वाईफाई समझते हैं कि भाई हम तो मोबाइल को किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से मेरे घर में वाईफाई राउटर लगवा लेते हैं किसी भी ISP का, उसके थ्रू हम वाईफाई के, हमारे पास स्पीड मिलती है, बैंडविड्थ मिलती है, और हम अपने नेटवर्क, इंटरनेट और बाकी चीजें एक्सेस करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं यही इंट्रोडक्शन रखूंगा अभी कि लैन की, हमने वायरलेस क्या होता है हमने बताया, डिस्कस किया। डब्ल्यू लैन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लैन के तरह ही काम करती है और लैन पे ही बेस्ड होती है। फर्क कितना है कि लैन में हम लैन वायर से कनेक्टेड होते हैं और वायरलेस लैन में हम अपने डिवाइस पे वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, विदाउट लैन हम वाईफाई को के थ्रू हम अपने नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना रखूंगा, इससे इस अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि डब्ल्यू लैन बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बने रहें हमारे साथ एंड मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक टेक केयर।